काला ढूंगी में वन विभाग की टीम ने तस्करों से दो सागौन वृक्षों को सुरक्षित बचा लिया है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार असगोल ने कहा है कि वरहनी रेंज में देर रात पैदल गश्त कर रही टीम की लोगों को आभास हुआ तो तस्कर फरार हो गए। साथ ही घटना स्थल पर पहुंचकर सागौन के वृक्ष भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जाँच और पड़ताल कर रही है। काला ढूंगी से मुकेश मछेती की रिपोर्ट। इसमें हम लोगों की गश्त रात भर चलती रहती है, तो हमारी कुछ लोग पैदल गश्त वाले थे जिनको नया गांव से थोड़ा आगे बौर कमोला कंपार्ट नंबर 15 के सीट में कुछ आभास हुआ था। उन्होंने मोबाइल टीम को भी बुलाया, मोबाइल टीम के पहुंचने की खबर उन लोगों को भी शायद हो गई थी, तो वो लोग जो है अपनी पिकअप वहाँ से जंगल के अंदर से एक गाड़ी निकाल के भागे और हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो तो नहीं मिले। रात के अंधेरे में खोजबीन की गई, उस समय ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जब लीक के आधार के अंदर गए तो वहाँ से 2 पेड़ सागौन के कटे हुए थे और उसका पूरा जो है माल बरामद कर लिया गया है और उसको लाके अपने रेंज कार्यालय में रख दिया है। 12 गिल्टे हैं और उनको जो है सुरक्षित रेंज कार्यालय में रख दिया गया है और इसका अब भारतीय वन अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों को खोजा जाएगा।